नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, कुछ दिन पहले लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पांच बड़ी बड़ी फिल्मों का मुहूर्त हुआ, जिसमें कि खेसारी लाल यादव से लेकर, निरहुआ से लेकर, रवि किशन से लेकर, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और चिंटू पांडे की जो पांच बड़ी फिल्में थी वो एक साथ ग्रैंड मुहूर्त हुआ, जिसमें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां पर किसी कारणवश नहीं पहुंचे और वो अपने मैसेज डिलीवर कर उस मुहूर्त के लिए अपना जो बातें हैं उन्होंने कहा था, लेकिन वहां पर खेसारी लाल यादव भी नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा जो है निरहुआ पहुंचे थे, इसके अलावा कल्लू पहुंचे थे, चिंटू पांडे पहुंचे थे और बात करें तो रवि किशन वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद से भोजपुरी की तमाम वो बड़ी अभिनेत्री आप पहुंची थी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है, लेकिन सबसे जो ज्यादा चर्चा रही वो चर्चा रही खेसारी लाल यादव के फिल्म को लेकर, क्योंकि अपने फिल्म के मुहूर्त में भी नहीं गए और इसके बावजूद भी वो फिल्म इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गई है कि लोग उसी फिल्म की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं खेसारी लाल यादव की फिल्म की बात करूं, जब लखनऊ में मुहूर्त हुआ था तो उस फिल्म का नाम है वास्तव। जी हाँ, वास्तव में जिस तरीके से आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव का वो बॉडी वाला, एकदम फिटनेस वाला, सिक्स पैक वाला अवतार नजर आ रहा है, उसमें खून खराबा आग टाइप का नजर आ रहा है, तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भैया इसमें खेसारी लाल यादव का जबरदस्त बॉडी भी दिखने वाली है, प्लस मुझे लगता है कि इस फिल्म में मारधाड़ भी काफी ज्यादा होने वाला है और इसके साथ साथ जो इसमें मुझे लग रहा है कि लड़ाई और फाइटिंग वाला जो सिनेरियोस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इस पोस्टर को देखने के बाद और इस नाम को सुनने के बाद मुझे एक फिल्म याद आ रही है और वो फिल्म जो है उसका भी नाम वास्तव है। वो एक्चुअली बॉलीवुड फिल्म है और उस फिल्म में संजय दत्त ने अहम किरदार निभाया था। संजय दत्त के साथ बात करें तो नम्रता शिरोदकर जो थी वो इस फिल्म में एज एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी और परेश रावल भी उस फिल्म में नजर आए थे। 1999 में यानी कि 1999 में ये फिल्म आई थी और ये फिल्म जो थी वो एक्शन फिल्म थी, क्राइम फिल्म थी, यानी कि एक्शन फिल्म के साथ साथ क्राइम फिल्म थी और किसी पे ये लाइफ बेस्ड स्टोरी थी, यानी कि किसी पे आधारित यह फिल्म थी। तो मुझे लगता है कि महेश जो थे, महेश मैनेजर थे, वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और काफी खूबसूरत फिल्म थी, जहां तक कि मैं देखा नहीं हूं लेकिन मैंने विकिपीडिया चेक किया तो काफी ज्यादा अच्छा लोगों का रिस्पांस था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अच्छी फिल्म होगी संजय दत्त की उस समय 1999 में। तो मुझे लगता है कि उस फिल्म में जिस तरीके से संजय दत्त कहा जा रहा है कि एक्शन मूवी, क्राइम टाइप का मूवी जो है वो उस फिल्म को बनाया गया था, तो हो सकता है कि भैया खेसारी लाल यादव की फिल्म में जिस तरीके से बॉडी लुक नजर आ रहा है तो उससे देखकर कहा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव का भी लुक काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और हो सकता है कि उसी से मिला जुला कुछ फिल्म होने वाला है। बात करें तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रेम राय जी हैं और प्रवीण जी हैं। वही डायरेक्टर की बात करें तो सुजीत कुमार सिंह है, जो कि अपने आप में एक मशहूर डायरेक्टर हैं। हालांकि हीरोइन का अभी फाइनल नहीं हो पाया है, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि आम्रपाली दुबे होगी तो कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अक्षरा सिंह हो सकती हैं, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। फिर भी अगर मैं बॉलीवुड को याद दिलाते हुए इस फिल्म वास्तव को याद करूं तो मुझे लगता है कि ये फिल्म काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है और वैसे भी जब फर्स्ट लुक आ गया है खेसारी लाल यादव का बॉडी वाला अवतार में, ऑब्वियसली ये जबरदस्त फिल्म होने वाली है। बाकी आपको इस फिल्म को लेकर क्या राय है और इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि इस फिल्म के लिए कौन सी अभिनेत्री शाइन होनी चाहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बाकी जानकारी पसंद आई तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।